हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नरपत सोलंकी बेंगलोर से। अभी काफ़ी दिन से मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, और इसके बारे में जो लोगों के अंदर घबराहट है उसको देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके बारे में मेरे को हमारे जीटो के बेंगलोर चैप्टर के अध्यक्ष श्री अशोक जी नागौरी ने भी मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब एक छोटा सा वीडियो बनाइए जिससे कि लोगों के दिमाग में जो परेशानी हो रही है ये ब्लैक फंगस और इसके बारे में। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बीमारी जितना आपको बताया गया उससे बहुत ही कम है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये कोई कोरोना से इसका डायरेक्ट रिलेशन कभी भी कुछ भी नहीं है। ये क्या हुआ है कि ये मीडिया ने जो भी टीवी के ऊपर है या अपने न्यूज़पेपर में देखते हैं वो लोग एक टीआरपी के चक्कर में इतनी सारी इसने हवा खड़ा कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि बीमारी नहीं है, बीमारी है। जब मैं पढ़ता था, ऐसे 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि तब भी ये बीमारी होती थी। और ये बीमारी ऐसी है कि किसी एक से दूसरे में कभी भी नहीं जाती है। और ये बीमारी किस में आती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। ये बीमारी ज़्यादातर जिनके अंदर इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग होते हैं, जैसे किसी को कैंसर है या कैंसर की दवाई चल रही है, या जो बॉडी से बहुत वीक है, या तीसरा जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या जिनको स्टेरॉइड्स ले रहे हैं वो किसी भी कारण से, वेदर कोविड के कारण ले रहे थे या नॉन कोविड के कारण ले रहे थे, या जो लोग काफ़ी दिन तक आईसीयू में रहे हैं जिनको कंटिन्यूस ऑक्सीजन लगी है, या जो वेंटिलेटर पर रहें, उन लोगों को ये बीमारी आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन में चांसेस मैं बोलता हूँ कि लाख में एक भी नहीं है, कि 10 लाख में भी एक नहीं है, क्योंकि नॉर्मल में बीमारी आती नहीं है। ये एक्चुअल में ये फंगस, ब्लैक फंगस जो भी बोल रहे हैं, इसका मेडिकल नाम है वो है म्यूकोमाइकोसिस। और ये ब्लैक और वाइट ये दोनों का आपके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ है, वेरियंट्स हैं जो एक ही फंगस के अलग अलग होते हैं। जो फंगस जो क्या होती है कि जैसे अपने ब्रेड होती है या रोटी बड़ी है, बासी रोटी होगी, एक या दो दिन के बाद में अपन देखते हैं उसके ऊपर जो फंगस आ जाती है, उसको फुलन बोलते हैं अपन। तो वो फंगस है वो कि वो चीज़ यहाँ होती है, जहाँ पे भी नमी ज़्यादा होगी वहाँ पे ये फंगस ग्रो करती है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जब भी बॉडी में ये फंगस आ जाती है तो इसका इलाज ज़रा मुश्किल हो जाता है। पर सबसे पहले मैं वापस ये बोलना चाहता हूँ कि ये बीमारी बहुत कॉमन नहीं है, ये उन्हीं लोगों के है जो मैंने आपको पहले बताया, उन लोगों के लिए है। और क्या होता है कि जब भी कोई भी आदमी ज़्यादा दिन तक कंटिन्यूस ऑक्सीजन पे रहा, तो आपने देखा होगा कि एक जब भी जो ऑक्सीजन आती है एक बॉटल के थ्रू जिसमें पानी भरा होता है उसके थ्रू आती है, वो ऑक्सीजन को वेट करने के लिए, ह्यूमिडिफाई करने के लिए रखते हैं, क्योंकि ड्राई ऑक्सीजन शरीर में हम नहीं ले सकते, उसमें थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। तो भी क्या होता है कि कंटिन्यूसली लेते लेते वो जब नमी ज़्यादा है और उस बॉटल में पानी अगर कोई कारण से इन्फेक्ट हो गया है, या ट्यूब इन्फेक्ट हो गई है, या 5 से 7 दिन 10 दिन तक अपन को ऑक्सीजन चली और ऑक्सीजन ट्यूब साफ नहीं की, तो उसमें कभी कभी ये जो फंगस है वो उसमें आ जाती है और वो नाक में जाती है। सबसे पहले फंगस नाक में ही जाती है, कि मुंह में वगैरह में डायरेक्टली नहीं आती है। जो मुंह में है, जो थ्रश बोलते हैं मुंह में आती है उसके, वो केसेस अभी बहुत कम है। तो ये क्या है कि जब एक बार नाक में आ जाती है तो वहाँ पर इसकी एक परत बन जाती है, परत बन के धीरे धीरे ग्रो करते 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 सबसे पहले साइनस में पहुँचती है, नीचे जाओगे तो दांतों के अंदर, जबड़ों के अंदर उधर चली जाती है, ऊपर जाओगे तो आँख आ जाएगी, और उससे भी ऊपर चढ़ गया ये तो फिर ब्रेन में चला जाता है। बट इसकी प्रोसेस बहुत स्लो है। यूजली देखा यह गया है कि जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में होते हैं तब तक उनको इस बीमारी का मालूम नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारी दवाओं पे भी रहते हैं, दूसरे भी रहते हैं, तो इससे क्या है कि मालूम नहीं चलता है। जब वो घर आ जाता है एक बार आदमी, जो जैसे मैंने वापस मैं आपको ये रिपीट करना चाहता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन पे रहे हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जो स्टेरॉयड के ऊपर ज़्यादा रहे हैं, और जिनकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, उन लोगों में कभी कभी क्या होता है कि जैसे नाक से थोड़ा खून आना या ब्लैक कलर का पानी आना या थोड़ा यहाँ पे नाक के आसपास में दर्द होना या आँख के ऊपर दर्द होना, ये कॉमन चीज़ है। तो उन लोगों को अगर कुछ है ऐसा, तो अगर कोई आदमी लॉन्ग टर्म तक आईसीयू में रहा है या कंटिन्यूस ऑक्सीजन पे रहा है, तो उनको मेरी तो यही सलाह है कि वो हर 5-7 दिन में एक बार जाकर के अपने ENT सर्जन को दिखा दे, वो अपने एंडोस्कोपिक से इसको देख लेगा कि कहीं फंगस की ग्रोथ तो स्टार्ट नहीं हो गई है, हुई है तो उसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। पर होता क्या है, जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब अपन डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जब तक ऑलरेडी ये फैल चुकी होती है तब बोलते हैं कि भाई देखो दवाई दे रहे हैं, नहीं हुआ तो जबड़ा निकालना पड़ेगा, आँख निकालनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें बहुत आजकल देखने में मिल रही है। अभी हो क्या रहा है कि यूजुअली एक आईसीयू में, जो नॉर्मल डेज में जब कोविड नहीं था, तो समझिए कि अगर 10 बेड थे तो उसमें 2 या 3 के ऊपर वेंटिलेटर रहता था या हाई ऑक्सीजन पे रहती थी और केयर बहुत अच्छी होती थी। अभी क्या इतनी मारामारी है बेड्स की कि भाई ऑक्सीजन बेड चाहिए, किसी को
आईसीयू में बेड चाहिए, किसी को वेंटिलेटर चाहिए, अब एक पेशेंट गया नहीं और दूसरा पेशेंट आता है, वो बाहर खड़ा है, वो मरने वाला है, तो जब हमारे यूजुअली क्या होता है कि 2 से 3 घंटे हमको पूरा इसको क्लीन करने में लगता है, एक बेड को जो खाली होता है उसको साफ करो, उसको सैनिटाइज करो पूरा, उसके बाद में जितने भी कंज्यूमेबल सब चेंज करने पड़ते हैं, उसके बाद में ही नेक्स्ट पेशेंट को ले सकते हैं। पर अभी की पोजीशन में ऐसा है कि कोई आदमी एक मिनट के लिए भी तैयार नहीं है कि नहीं सब डालो जो भी होगा देखेंगे, और डॉक्टर को भी यही करना पड़ता है, चलो एक बार तो डालो बचेगा तो फिर बाद में देखेंगे। तो ये हालत में कई बार थोड़ा सा कि जो हाइजीनिक लेवल है वो भी कम हो जाते हैं। और दूसरा, इतनी दिन तक जो भी जिसने भी कोविड की भी दवाएं ली है जिसमें स्टेरॉयड एक मुख्य है, तो वो स्टेरॉयड इसलिए देना जरूरी है कि अगर नहीं दोगे तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा, नहीं मर गया तो उसका क्या कर सकते हो, तो इसलिए स्टेरॉयड इज द लाइफ सेविंग। तो मैं ये नहीं कहूँगा नहीं स्टेरॉयड नहीं लेना चाहिए, ये जजमेंट है डॉक्टर का भी, उसको लगेगा कि भाई इंफ्लेमेशन ज़्यादा है तो उसको दबाने के लिए सिवाय स्टेरॉयड के कोई लेना देना कोई दूसरी दवाई है ही नहीं, तो ठीक है स्टेरॉयड लेंगे, पर स्टेरॉयड के बाद में जो इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं उसके लिए आप 4-5 दिन में या 7 दिन में एक बार जाके अपने ENT सर्जन को डॉक्टर को दिखा दो कि भाई मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको कोई सिम्टम है कि जैसे मैंने आपको 4-5 सिम्टम बताए थे कि वो सिम्टम है तो आप उनको जरूर दिखाइए। पर इसमें जो परसेंटेज ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट विद म्यूकोमाइकोसिस बहुत ही कम, 1000 में से अगर 1000 आदमी ICU में एडमिट हुए तो 4 या 5 को ही हो सकता है, और ऐसा नहीं कि 5 को हो गया तो उनका पूरा खत्म हो जाएगा, उसमें से काफ़ी बच भी जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इसकी जो दवाई अभी अवेलेबल है वो एम्फोटेरिसिन भी है, जो लाइफोलाइज होती है वो ही अभी तक अवेलेबल है, टैबलेट्स वगैरह इतने ज़्यादा कारगर नहीं होती है तो डॉक्टर्स देते हैं, पर अभी सडनली जिस हिसाब से स्प्रेड हुआ है तो हर दवाई अभी कम हो गई है, एम्फोटेरिसिन भी नहीं मिल रही है। तो मैं आपसे सभी से निवेदन करूँगा कि आप कोई भी दवाई को लेकर के घर में मत रखना कि मेरी जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको कल का एक वाक्य बताऊं, तो मैं अपनी ओपीडी में बैठा था, कल मैंने करीब 20 मेरे आँख के पेशेंट देखे, तो उसमें से 10 तो इसके लिए आए थे कि साहब थोड़ा यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे आँख के ऊपर दर्द हो रहा है, आँख थोड़ी लाल हो गई है, नाक के आजू बाजू में दर्द हो रहा है, कि साहब मेरे को कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। और मैं हंसता रहा, मैंने कहा भाई आपको क्यों आएगा ब्लैक फंगस, आपको तो कोई चांस ही ना, तो आप हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल भी गए तो 2 दिन में वापस आ गए, तो आने का चांस नहीं। तो ये डर जो है वो निकाल दीजिए, मैं अभी बोलता हूँ डर बिल्कुल निकाल दीजिए। आपने कभी भी अगर हॉस्पिटल में नहीं गए, अगर आपको कोविड आके गर्मी ठीक हो गया है या कोविड के लिए 5-10 दिन हॉस्पिटल में रहे, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं लगी है, आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है, निश्चिंत रहिए, मैं आपको भी बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए बाद में घबराइए मत कि ये हो जाएगा मेरे को वो हो जाएगा, नहीं होने वाला है। मैं आपसे फिर एक ही बार निवेदन करूँगा कि आप ये म्यूकोमाइकोसिस का दिमाग से निकाल दीजिए। मीडिया जो बता रहा है कभी व्हाइट बता रहा है कभी ब्लैक बता रहा है, मेरे को तो लगता है कभी ये पिंक और ब्लू भी ले आएंगे, इनको कुछ ना कुछ मसाला चाहिए वो दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कह रहे हैं, पर वो आउट ऑफ प्रोपोर्शनल चीज़ बता रहे हैं, उनके लिए कोई नई चीज़ होगी। अरे भाई तो बहुत पुरानी बीमारी है और एवरी हॉस्पिटल नोज अबाउट इट कि भाई जब भी लॉन्ग टर्म में हो तो म्यूकोमाइकोसिस ये कॉमन सुपर एडेड इन्फेक्शन बोलते हैं, बोलो तो ये सुपर एडेड इन्फेक्शन है ठीक है मानते हैं, पर इसका ट्रीटमेंट भी अगर सही से टाइम से हो जाता है तो अच्छा है, पर कब जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो एक बात एक अलग है। और जैसे मैं बोला कि लाखों में से एक होता है आप क्यों डरते हो, तो मैं आपसे फिर भी निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप इसको घबराइए नहीं, जो भी है आप आराम से रहिए। तो अगर आपको बहुत दिन तक आप ICU में रहें, आप 4-5 दिन में डॉक्टर साहब के पास जाइए अपने ENT वाले के वो क्या बोलते हैं, या आँख वाले डॉक्टर आँख की प्रॉब्लम तो आँख में जाइए, और आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, मैं आपको अभी भी बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग वंस अगेन, थैंक्स।